दुनियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा आज होगा। शायकीन है क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में 1.25 लाख का मजमा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच से कबल शायकीन एयर शो से महजूज होंगे। पहली इनिंग में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग के बाद गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग के ड्रिंक ब्रेक में लेज़र और लाइट शो होगा। मैच के अख्तिताम पर आतिशबाजी भी की जाएगी। वर्ल्ड कप के सुपर फाइनल से कबल दोनों टीमों के कप्तान रोहित शर्मा और पैट कमिंस का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। शानदार फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। लाहौर दूसरे नंबर पर। फजा में आलूदा जर्रात की मकदार 251 पॉइंट्स। सांस और खांसी के मरीज बढ़ने लगे। अस्पतालों में रश। पिशावर और रावलपिंडी में भी आलूदगी बरकरार। माहरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर में मस्तूई बारिश के लिए माहरीन के खिदमात हासिल। मोहसिन नकवी का फसलों के बाकियात जलाने के लिए खसूसी मशीनें देने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल, डिचकोट, फैसलाबाद समेत कई शहर धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। सर्दी में भी इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से गिर गया। लह और स्कर्दू में पारा -5, कालाम गोप्स में -2 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड। सिंध बलूचिस्तान में जाड़े ने धूम मचा दी। कराची में भी रात के वक्त मौसम सर्द। अम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई। शुमाली वजरिस्तान में ऑपरेशन इंतहाई मतलूब। शिद्दत पसंद इब्राहिम उर्फ मूसा समेत 4 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का अज़्म। इलेक्शन से कबल मुल्क में सियासी गहमा गहमी। अमरीकी सफीर भी मुतहरिक। अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। डोनाल्ड ब्लूम नवाज शरीफ से मिले। लीगी कायद ने कहा अवाम फिर हम पर एतमाद का इजहार करेंगे। हम ही मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन के साथ बैठक। IPP के पैटर्न इन चीफ ने कहा हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने का मुलाकातों पर एलामिया। बताया पाकिस्तानी अवाम को मुस्तकबिल का रहनुमा खुद चुनने का हक है। अमरीकी सफीर आसिफ अली सरदारी से भी मिले। दो तरफा उमूर पर बातचीत हुई। आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। जबरदस्ती का वजीर आजम नामंजूर। ये ख्वाहिश रखने वाले गलत फहमी का शिकार है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर फिर तनकीद। पिशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनने के बजाय नौजवानों को मौका दें। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का चेहरा आया हो चुका। तब्दीली वालों ने भी तबाही मचाई। झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या खत्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या तल्लुक है? 70 साल बुजुर्ग वजीर आजम नहीं बन सकता तो आप भी 70 साल के बुजुर्ग से रहनुमाई ना लें। राना सनाउल्लाह का आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए। झूठे केसेस खत्म होने पर क्या हम लाडले हो गए? राना सना ने सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। एहसन इकबाल का बड़ा इल्ज़ाम। बोले PTI और PP ने 2018 में पानामा साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। गजा में सहौनी फौज ने जिंदगी का गला घोंट दिया। फौजी मुख्तलिफ शहरों में दाखिल। महासरा जारी। बेगुनाह फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां।
इमलाक बिलडोजर से तबाह। जबालिया के स्कूल पर वहशियाना हमले में 200 और खान यूनिस में बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 12,000 से बढ़ गई। सहौनी फौज कल शिफा अस्पताल पर कब्जा, फौरी खाली करने का हुक्म। आईसीयू में जेरे इलाज तमाम मरीज शहीद। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट मौतल। अक़वामे मुत्तहिदा गजा की तरसील समेत दीगर सरगर्मियाँ रोकने पर मजबूर। खिसियाने बिल्ली, खंबा नोचे, अमरीका की मुनाफ़त बरकरार। इसराइल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी का मुतालबा। दूसरी तरफ वासी कह दिया कि जब तक हमास अपने नज़रिए पर कायम है अम कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अखबार के आर्टिकल में लिखा कि आलमी बरदरी को जंग के बाद गजा की तामीर नौ के लिए अहद करना चाहिए। तुर्क सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जल्द मिटने वाला है। इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी शवाहद मौजूद हैं। रजब तैयब उर्दवान के गजा की तामीर नौ की भी पेशकश। फलस्तीनी वजीर सेहत कल शिफा अस्पताल में जेर इलाज बच्चों को मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा आलमी इदारे मदद बंद करें, इसराइल को अल-फखूरा स्कूल पर हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमास का सहौनी फौज को वाज़ेह पैगाम, वाज़ेह किया कि बच्चों शहरियों पर हमले का जवाब देना पड़ेगा। इसराइल का दावा है गजा की पट्टी के जुनूबी इलाके महफूज हैं। अल-फखूरा हमला साबित करता है इसराइल से कोई इलाका महफूज नहीं। इसराइल गजा के शुमाली और जुनूब में कोई फ़र्क नहीं रखता। इंशाल्लाह आईपीपी की हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होगी, लेकिन आईपीपी की हुकूमत होगी और वजीर आला अलीम खान साहब होंगे। पंजाब में आईपीपी की हुकूमत होगी, अलीम खान वजीर आला होंगे, फयाजुल हसन चौहान का दावा। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा अगर नून लीग 125 सीटें लेगी तो हम क्या करेंगे। इलेक्टेबल्स साबिक अराकीन की बड़ी खेप आईपीपी में शामिल होगी। कराची में रात गए पुलिस का एक्शन, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मुकाबला, जख्मी डाकू पकड़ा गया। जमान टाउन कोरंगी में भी मुलजमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला, दो डाकू गिरफ्तार। डिफेंस फेज 8 और मंगूपीर से 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए, असलहा बरामद। चकवाल में मदरसे के 14 तलबा से ज्यादती, 2 असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, पुलिस का मौकफ। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबला, घर में घुसने वाले 6 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए, छत पर मौजूद बच्ची के शोर मचाने पर अहले महल्ला ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम डाकू मार दिए। फैसलाबाद में शादी के घर पर डाकुओं का धावा, मजाहमत पर फायरिंग से दुल्हा कत्ल। लाहौर में 6 अफराद की हलाकत में मुलविस कम उम्र ड्राइवर अफनान, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल करने की मुखालफत, कहा 6 अफराद की जान गई, उसका दुख है लेकिन यह कत्ल नहीं हादसा है। अदालत ने कहा 6 अफराद जान से गए हैं, तफ्तीश ज़रूरी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कम उम्र ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना। पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है, इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीज़न में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। माहौलियाती तहफ्फुज के लिए इनकलाबी इकदाम, अगले साल 200 बसें मुल्क में लाएंगे जनरल मैनेजर डेवो एक्सप्रेस शहरयार हसन की बोल के प्रोग्राम भोपाल में गुफ्तगू। कहा फ्यूल इंपोर्ट बिल पाकिस्तान में बड़ा बोझ है, इलेक्ट्रिक बसें छोटे रूट्स पर शुरू कर रहे हैं, 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कराची में लियारी के मकीनों का मुनफरिद नाश्ता, लोग हलवा पूरी के बजाय समोसा पकौड़े और सीख बोटी पर हाथ साफ करके दिन का आगाज करते हैं।
कचोरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। हैदराबाद में कचोरी की तैयारी का अमल सुबह सवेरे ही शुरू हो जाता है। कचोरी के शौकीन अफराद नाश्ते से लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। और मोहब्बत के खातिर मुश्किलात का सामना करने वाले नौजवान की कहानी, हॉलीवुड फिल्म दी शिफ्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।